जी पहले तो मैं नमस्कार, हिंदू जागरण मंच मऊ का मैं जिलाध्यक्ष हूँ अभय सिंह सोनू जी। सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर ही उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपना है, तो क्या आपको उम्मीद लगती है कि से आ सकते हैं या क्या कहेंगे? बिल्कुल आना चाहिए। और मान लीजिए न्यायपालिका का मामला है, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला इनका चला गया है, पहले से ही सुनवाई हो रही थी हाईकोर्ट से, अब तक कि इनको बार बार नोटिस जा चुकी है पंजाब सरकार को, वहाँ से इनको नहीं आया, यूपी भेजा नहीं गया, तो ये फिर मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से अगर आदेश आया है तो इनको आना चाहिए सम्मानपूर्वक। इनको वहाँ पंजाब सरकार को चाहिए कि वहाँ से ला करके मऊ बी जिले में शिफ्ट करें, फिर मऊ में जहाँ भी यूपी में जहाँ भी जिले में रखा जाए उनको आना चाहिए। पंजाब सरकार इनको भेज नहीं थी इनके, जबकि इनके पर अनगिनत मुकदमे भी दर्ज थे, तो क्या कहेंगे इस पर आप? जी मुकदमे तो बहुत है, मऊ में भी बहुत है। जैसे मान लीजिए आपके गाजीपुर में कृष्णानंद राय वाला हत्याकांड आप जान ही रहे हैं उसमें, और एक अभी मऊ में राम सिंह मौर्या का है, फिर एक मन्ना सिंह का है, इस तरह का मामला बहुत सारे हैं। फिर इलाहाबाद में कुछ मामले हैं, कम से कम दर्जनों मुकदमे इनके पे हैं ऐसे, जो लखनऊ से लेकर मऊ तक की इसमें इनकी सुनवाई यूपी में होनी है, इसलिए इनको यूपी लाया जा रहा है। तो क्या देखा जाए इस कि अलका राय ने भी प्रियंका गांधी को उन्होंने पत्र लिखा था कि वहाँ पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी हुई है, तो क्या ऐसा कोई तालमेल तो नहीं, इन लोगों तालमेल है इन लोगों का आपस में? नहीं, मान लीजिए अब अलका राय जी ने लिखा था तो राजनीतिक दल जो है उनका तो मान लीजिए राजनीतिक पार्टी से है तो वो लिख सकती हैं, बोल सकती हैं, लेकिन अगर आपराधिक मामले में देखा जाए तो जैसे उनकी जगह विधायक की जगह और हम भी अगर होते, आप भी होते, अगर कोई भी होता तो कोर्ट के निर्णय को मान्य करना ही चाहिए, और हम गलत हैं तो उसकी सजा हमको मिलेगी, हमको आना ही आना है, उनकी चिट्ठी जाए या न जाए, तो कोई बुलाए या न बुलाए उनको आना ही पड़ेगा, ये कोर्ट ने कह दिया तो आना पड़ेगा। तो क्या जिन्होंने न्याय की उम्मीद की इनसे आस लगाई थी सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या उनको न्याय मिलने की उम्मीद होगी इनके आने से? जी बिल्कुल, ये सरकार देख ही रहे हैं आप, योगी जी की सरकार है और हृदय प्रिय हम लोगों के हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं मुख्यमंत्री जी, और ये निश्चित रूप से न्याय के लिए ही लड़ रहे हैं, चाहे वो सरकार इनकी सत्ता में आए या ना आए वो बात की बात है, लेकिन ये अपने निर्णय पर अटक गए हैं, ये बिल्कुल जो है अपना जो कार्य करना है उसको करके रहेंगे। तो क्या कहा जाए, जो भी माफिया हैं या भू माफिया हो या इस तरह के माफिया जो भी हो जिन्होंने अपना राज्य फैलाया हो सब, तो क्या ऐसे लोगों को रहेंगे लोग? जी सजा हो कराई होगी उनके पर, जरूर कार्रवाई होगी, जो ऐसे लोग जो गलत कार्य कर रहे हैं, जो भी उनके मुकदमे हैं, बलात्कार के हों, गुंडई के हों, जान माल खतरा, जो जो जिन्होंने ऐसा लूटपाट किया हो, धन संग्रह किए हैं लोग हड़का के डरा करके लोगों से, तो ये सब वसूली का गेंदबाजी कराए हैं, तो ये सब तो इनको सजा मिलनी ही मिलनी है, तो कराएंगे योगी जी, साफ स्वच्छ है कराएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो यूपी में आना है और आके यहाँ बंद होना, या तो जो सजा यहाँ पे होगी कोर्ट से वही इनको मान्य करनी पड़ेगी। इन पर गैंगस्टर भी लगा कार्रवाई हुई है, इसको देखते हुए इस पर क्या कहेंगे आप? जी उचित कार्रवाई हुई होगी, जो जो बताया तो जो उन्होंने कहा है, अभी पहले ही कहा कि जो इन्होंने कहा किया है उसका उनको सजा मिली है, अब जिस धारा में जो भी हो मामला उसमें तो लगना ही लगना है, उसमें हम आप कुछ कर नहीं सकते, जो सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वही चीज़ है। तो इसके पहले कोर्ट का आदेश इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी ये सरकार पंजाब की कर रही थी तो गलत कर रही थी, पहले से वो कर रही, कई बार इस प्रकरण आया है कि वो लोग जो आने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे विरोधी सरकार है, दूसरे दल की सरकार है, ठीक अगेंस्ट है बीजेपी की, तो वो नहीं चाहती थी कि ये यहाँ पे आए, जबकि ये मामला यूपी का है, पंजाब का मामला नहीं है, वहाँ के छोटे से मामले को दिखा करके आप किसी बड़े अपराधी को वहाँ रख नहीं सकते। क्या इस बार लगता है कि इस बार पंजाब सरकार भेज देगी? बिल्कुल भेजेगी, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, क्यों नहीं भेजेगी, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, अगर अवहेलना करती है तो वहाँ की सरकार भी दायरे में आएगी, जानबूझ के ऐसा करने पर वो भी फंस सकते हैं। देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो वादकारी थे, जिन्होंने जिनके घर पे कोई घटनाएं घटित हो गई थी या जो मुकदमे चल रहे थे उनके ऊपर, तो ये बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? अब कोई भी एक उस लेवल का अगर आपराधिक छवि का व्यक्ति हो या मैं हूँ या आप रहे उस टाइप के हों, तो अगर हमको सजा मिल रही है तो एक सामान्य वर्ग इंसान जो बहुत अपने आप को साफ सुथरी छवि से बना के रखा हुआ है वो तो खुश होगा ही, वह वर्ग तो खुश होगा ही कि जो जानेगा कि एक आपराधिक छवि आपराधिक इतिहास का एक पन्ना जो बंद होने जा रहा है, या जगह जेल में आप चले जाते हैं तो बंद हो गया पन्ना, इसका मतलब आपको सजा हो गई 60-70 साल उम्र कैद की हो गई, अब पन्ना बंद हो गया, इसका मतलब तो यहाँ पे लोग खुश होंगे ही होंगे कि भाई चलिए ये जो है ये बहुत निर्णय बहुत अच्छा है मान्य कर लिया। देखा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से लोगों में एक न्याय की आस जगी। जी ये बीजेपी सरकार में ऐसा हुआ है, पहले ऐसा नहीं हुआ था, ये सरकार जब से आई तब से ये बार बार न्याय की बातें चल रही है और चलेंगी, और ये सरकार दोबारा फिर इसी वजह से आनी भी है कि ये लोग जो है गलत को गलत तरीके से उठा के बंद करा के कर भी रहे हैं, गलत है आप तो आपको जाना है।
बिल्कुल भाई साहब, मान लीजिए ये अभी एक तरह से मिशन क्लीन समझ लीजिए इसको, योगी जी का ये हंटर चला है, योगी जी का मिशन क्लीन वाला है कि जो भी आपराधिक छवि का है सबको बंद होना है, खत्म होना है, साफ सुथरा करके ये पूरा प्रदेश रखना चाहते हैं। तो क्या अपराधियों का सफाया हो रहा है? नहीं, सफाया का मतलब अगर सजा आता है तो उनको जेल किया जाएगा, बंद किया जाएगा, अंडरग्राउंड किया जाएगा उनको, उनकी जगह या मैं रहूं या कोई भी रहे, अगर अपराधी आदमी है तो आपको भी वो सजा भुगतनी है। तो अगर ये किया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से तो बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, ये अपराधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है, आम जनता सहूलियत से जी पाए, रोड पे लड़कियां बहने बेटियां चल सकें और लूटपाट ना हो, बिजनेसमैन हो, दुकानदार हो, किसी को कोई खतरा ना हो इनसे, ये बहुत अच्छा कार्य योगी जी कर रहे हैं। या कोई भी अपराधी हो इस प्रदेश में, अगर कोई भी अपराधी हो यहाँ पे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था कि अगर अपराधी हो तो या तो प्रदेश छोड़ के चले जाए, तो ऐसा अगर ये करते हैं या तो बिल में घुस जाए, अगर यहाँ पर आना है तो उनको अपराध छोड़ना पड़ेगा, या तो अपराध मुक्ति या प्रदेश बनाना ही बनाना उनको है, इसलिए वो उनका हंटर उनका चाबुक चलता रहेगा इनके पे, कोई अपराधी हो बक्सा नहीं जाएगा, योगी जी का मिशन सफाया अभियान चलेगा। ठीक।